नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। बात करेंगे कोरोना संकट, जिसके बीच मध्य प्रदेश में 37 लाख गरीब परिवारों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है और इसकी तैयारी है। 37 लाख हितग्राहियों को सरकार पत्रता पर्ची के माध्यम से राशन और अनाज का वितरण करेगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 16 सितंबर का दिन प्रदेश के 37 लाख लोगों के लिए आशा, उत्साह, आनंद का दिन है। इन सभी को पात्रता पर्ची प्रदान कर अन्न उत्सव के अंतर्गत राशन वितरण आरंभ किया जाएगा। कोरोना काल में ये बड़ी राहत है, जो जरूरतमंद होगा उसे इस अभियान से जोड़ा जाएगा। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव के नाम से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के प्रत्येक जिले में किया जाएगा। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सभी आयोजन स्थल पर कोरोना से बचाव की सावधानियों का पालन किया जाए। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह की शुरुआत हुई है और सीएम शिवराज सिंह शामिल होंगे। 37 लाख हितग्राहियों को राशन बांटा जाएगा, तो हितग्राहियों को पात्रता पर्ची के आधार पर राशन वितरित किया जाएगा और इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं। राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम है, योजना के अंतर्गत अन्नपूर्णा योजना है, जिसके अंतर्गत अन्न उत्सव के नाम से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई है और 37 लाख हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो सभी ग्राम पंचायतों और वार्डों में अन्न उत्सव मनाया जाएगा और इसमें अन्नपूर्णा योजना के तहत राशन पात्रता पर्ची बांटी जाएगी, जिसमें 37 लाख हितग्राहियों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। तो कोरोना के इस संकट काल में ये बड़ी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अन्न उत्सव के अंतर्गत राशन का वितरण किया जाएगा और इसका जो लाभ है वो तमाम हितग्राहियों को मिलेगा और इसके तहत राशन पात्रता पर्ची बांटी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है 17 तारीख को और इसको लेकर सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई है, जिसमें अलग अलग तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश में 37 लाख हितग्राहियों को अन्न योजना के तहत राशन का वितरण किया जाना है। और निश्चित तौर पर कोरोना काल में ये एक बड़ी राहत जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए और जो तमाम हितग्राही हैं उनके लिए मानी जा सकती है। अन्नपूर्णा योजना, जिसके तहत अन्न का वितरण किया जाएगा, राशन पात्रता पर्ची दी जाएगी और इसके लिए तमाम तैयारियां सरकार द्वारा की गई हैं। तो अन्नपूर्णा योजना के तहत बांटी जाएंगी राशन पात्रता पर्ची। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही मौजूद रहेंगे सांसद, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि। 37 लाख नए हितग्राहियों को ये पर्ची बांटी जा रही है। हमारे साथ स्टेट हेड मध्य प्रदेश राजेश सक्सेना जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर हर तरफ उत्साह है और सेवा सप्ताह जो है वो शुरू किया गया है और अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 37 लाख हितग्राहियों को अन्नपूर्णा योजना के तहत पर्चियां बांटी जाएंगी और अन्न का वितरण किया जाएगा। कोरोना काल में एक बड़ी सौगात ही माना जा सकता है। बिल्कुल सुनीता, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो बीजेपी है उत्साह के साथ मना रही है और पूरे देश में इस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भी 7 दिन का सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, इसके तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन बीजेपी कर रही है। 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन है और कल जिस तरह से बीजेपी दफ्तर में हमने देखा कि एक प्रदर्शनी, एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन वहां पर किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तमाम सारे मंत्री, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शर्मा हो, इसके अलावा शिवराज कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहे
और बचपन से लेकर अभी तक चित्रों के जरिए, छाया चित्रों के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व कृतित्व को बताया गया है। और सप्ताह भर एक कार्यक्रम चलना है, पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम चलना है। और आज की अगर हम बात करें तो आज अन्न उत्सव की शुरुआत प्रदेश सरकार कर रही है। भोपाल के समन्वय भवन में इसका विधिवत उद्घाटन, विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तमाम जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अन्न उत्सव के जरिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा जो योजना है उसके अंतर्गत 30 लाख जो नवीन लाभार्थी हैं उनके उनको राशन का वितरण किया जाएगा, राशन पर्ची उनको वितरित की जाएगी। और इस अन्न उत्सव के जरिए 5 किलो गेहूं और चावल के अलावा 1 किलो नमक, 1.5 लीटर केरोसिन और दाल का वितरण किया जाएगा। पूरा निःशुल्क की वितरण रहेगा पूरे प्रदेश में। एक साथ इसकी शुरुआत हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल से इसकी शुरुआत करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी वार्ड हैं या जितने भी पंचायत हैं उसके जरिए जो इसके हितग्राही है, जो इसके लाभार्थी है उनको इसका लाभ दिया जाएगा। कुल मिलाकर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कोरोना का जो संकट है, कोरोना जो काल है, ऐसे में खासतौर पर जो गरीब तबका है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और ऐसे में सरकार की कोशिश है कि इसके जरिए, इस योजना के जरिए, पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के सेवा सप्ताह के जरिए ऐसे लोगों तक पहुंचा जाए, ऐसे लोगों की मदद की जाए और निःशुल्क राशन का वितरण इसके जरिए किया जा रहा है। यानी कि 37 लाख नवीन लाभार्थी इसमें होंगे। इसके पहले इस योजना के तहत जिनको लाभ मिल रहा है उनको भी लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर सरकार की यही कोशिश है, सरकार की यही चाहत है, सरकार का यही प्रयास है कि ऐसे लोगों के ऊपर खासतौर पर भरण पोषण की कोई दिक्कत नहीं आए और इस कोरोना संकट से उन्हें कैसे भी उबारा जाए। और यही कारण है कि 5 किलो गेहूं, चावल, दाल, केरोसिन का वितरण उनके लिए किया जा रहा है, साथ ही नमक, वो भी निःशुल्क। बिल्कुल राजेश जी, अगर बात की जाए अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, कहीं शिविर लगाए जा रहे हैं, ब्लड डोनेट किए जा रहे हैं, कहीं पर इस प्रकार का आयोजन, लेकिन जन्मोत्सव को अन्नोत्सव में तब्दील करना निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की अनूठी योजना है। कहीं ना कहीं जो पीड़ित मानवता की सेवा के लिए उठाया गया संकल्प है, जो लगातार शिवराज सरकार कहते आए हैं, और यही वजह है कि अन्नोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है जन्मोत्सव। जाहिर सी बात है सुनीता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बार कह चुके हैं कि लोगों को खासतौर पर जो गरीब तबका है उनको परेशान नहीं होने दिया जाएगा। कितना बड़ा संकट हो, सरकार की वित्तीय स्थिति कैसी भी हो, लेकिन ऐसे तबके को अछूता नहीं रखा जा सकता। भरपूर मदद सरकार की तरफ से उनकी की जाएगी और उन्हें परेशान, उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि पहले हमने जिस तरह से देखा कि 1 रुपए किलो में गेहूं, 1 रुपए किलो में चावल, नमक, इनका वितरण सरकार के द्वारा किया जा रहा है और अब अन्न उत्सव के जरिए निशुल्क ये व्यवस्था की जा रही है। और ये जो व्यवस्था है अन्न उत्सव के जरिए निशुल्क व्यवस्था है जी, वो नवंबर 2020 तक जारी रहेगी। यानी कि पूरा नवंबर का जो महीना है, अक्टूबर का जो पूरा महीना है, सितंबर का जो बचा हुआ महीना है, लगभग 15 दिन सितंबर के जो बचे हुए हैं, तो 2.5 महीने तक निःशुल्क ये व्यवस्था रहेगी। दूसरी तरफ जो व्यवस्था सरकार के द्वारा संचालित है ऐसे ही लोगों के लिए कि 1 रुपए किलो में गेहूं, 1 रुपए किलो में चावल, केरोसिन, उसकी व्यवस्था लगातार वो भी जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर एक सरकार के जो हाथ पड़े हैं ऐसे तबके के लिए पूरी तरीके से हाथ सरकार की तरफ से खोले गए हैं। खासतौर पर अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें, लगातार बात करते हैं कि अगर ऐसे लोगों की हमने, पीड़ित मानवता की अगर हमने सेवा कर ली तो समझिए हमने ईश्वर की सेवा कर ली। और इसी भाव से वो काम करते हैं और यही भाव है कि आज अन्न उत्सव में ये दिख रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जो सप्ताह भर कार्यक्रम चल रहे हैं, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि तमाम सारे कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं, ऐसे ही कार्यक्रम मध्य प्रदेश में भी उनका आयोजन हो रहा है। 14 तारीख से 20 तारीख तक अलग अलग, चाहे ब्लड डोनेट की हम बात करें या फिर अन्य तरह के जो कार्यक्रम सरकार के हैं, जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है,
जो मोर्चा है बीजेपी का वो इसके लिए लगा हुआ है, संगठन इसके लिए लगा हुआ है, सरकार के जो मंत्री हैं वो इसके लिए उनको तैनाती की गई है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि इसके जरिए लोगों की जो लोगों को जितनी भी मदद सरकार की तरफ से हो सके वो की जा सके। लेकिन आज मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के जरिए अन्न उत्सव का आयोजन भोपाल के समन्वय भवन से करीब तकरीबन समय जो रहेगा 12:30 बजे का समय रहेगा वहां से शुरुआत। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव के नाम से इसे आयोजित किया जाएगा 12:30 बजे का समय। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे, 37 लाख हितग्राहियों को सीधा इसका लाभ मिलेगा और सभी ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का आयोजन है। अन्नपूर्णा योजना के तहत राशन पात्रता पर्ची बांटी जाएगी, तो सेवा सप्ताह की शुरुआत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का यह अवसर। हर राज्य में अलग अलग तरीके से कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, लेकिन 37 लाख हितग्राहियों को अन्न प्रदान करना, कहीं ना कहीं पीड़ित मानवता की सेवा और अन्नपूर्णा योजना का लाभ दिया जाना है, सीधा लाभ मिलेगा तमाम हितग्राहियों को।